तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलिए बोपन अंकल, आपकी शादी के सफर का आधा रास्ता तो तय हो चुका है, आधा आपको खुद तय करना है। ये रास्ता क्या, अब तो सीधा शादी तय होगी। क्यों पोपट अंकल? ये पिघल गई। पोपट अंकल, आपकी आइसक्रीम पिघल गई। अरे आइसक्रीम क्या, यहाँ पूरे के पूरे पोपट अंकल पिघल गए। चलिए पोपट अंकल, अब आप आराम कीजिए क्योंकि कल का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप पोपट अंकल याद रखना, अगर आपकी बात पक्की हो गई तो पार्टी देना भूलना मत। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भाई शादी पक्की होते ही आप लोगों की पार्टी नक्की। और आप पोपट अंकल, कल आप एकदम मस्त टिप टॉप तैयार होके ब्लेजर पहन कर जाना। हाँ, हाँ। चलो फ्रेंड्स, बहुत लेट हो गया, पोपट अंकल को सोने देते हैं। हाँ। चलो चलते हैं। हाँ भाई, ऑल द बेस्ट पोपट अंकल। थैंक यू। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट। पूजा, अब तेरे सिवा ना और कोई दूजा। अरे बापूजी, टप्पू आया? नहीं अभी तक नहीं है। उसका कुछ फोन वोन आया? नहीं। अरे कहाँ घूम रहा है ये लड़का? यस, बोलिए पापा। अरे क्या बोलिए, कहाँ घूम रहे तू, कहाँ था? टप्पू सेना के साथ। वो हम पोपट अंकल के घर पे आइसक्रीम पार्टी कर रहे थे। अरे टप्पू, तुम लोग अपनी मस्ती से कब आ जाओगे भाई? मेहता साहब तो अच्छे कि उनके घर पे तुम लोगों ने चोरी छुपे जो पिज्जा पार्टी की तो माफ कर दिया, लेकिन ये पोपट लाल पता है ना अतरंगी दिमाग का है, वो माफ नहीं करेगा। तुम लोगों को तो कुछ कहेगा नहीं, हम सबकी दुनिया हिला देगा। अरे आइसक्रीम पार्टी करनी थी तो पोपट लाल अंकल के घर पे क्यों की, यहाँ करनी थी ना? अरे पापा, हम लोग चोरी छुपे पोपट अंकल के घर पे आइसक्रीम पार्टी नहीं कर रहे थे, उन्हीं के साथ आइसक्रीम पार्टी कर रहे थे। नहीं ठीक है, लेकिन बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ कितनी आइसक्रीम खाई? एक्चुअली दादाजी, लेट आइसक्रीम खाने में नहीं हुआ तो? पोपट अंकल को पूजा आंटी का फोन आया था, इसलिए लेट हुआ। अच्छा, पूजा आंटी का फोन आया था? पापा आप जानते हो पूजा आंटी को? अरे नहीं भाई। तो फिर? अरे क्या तो फिर, तू खुद बात ऐसे कर रहा है जैसा हम सब पूजा आंटी को जानते हैं। पूजा आंटी का फोन आया था? अरे पहले बता तो सही, कौन पूजा आंटी भाई? ओ सॉरी, एक्चुअली पूजा आंटी तूफान एक्सप्रेस की इंदौर वाली ब्रांच में काम करते हैं, और वो कल कुछ ऑफिशियल काम से मुंबई आ रहे हैं तो पोपट अंकल को मिलना चाहते हैं, और पोपट अंकल को उनको कुछ वेलकम गिफ्ट देना था तो बस वो गिफ्ट सिलेक्ट करने में उनकी हेल्प कर रहे थे, इसलिए लेट हो गया। बेटा फोन करके बता तो देना चाहिए ना कि भाई लेट होगा। ठीक है ना, अभी आ गया ना, चलो अभी सो जाते। दादाजी हम तो सो जाएंगे, लेकिन पोपट अंकल को एक्साइटमेंट के मारे पूरी रात नींद नहीं आएगी। ये भगवान, क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है। प्लीज ऐसा कुछ करो कि मुझे नींद आ जाए। देखिए अगर अभी मुझे नींद आ गई ना तो कल किसी गरीब को मैं 11 रुपए की मदद करूंगा पक्का। पूजा पूजा, ये तुमने क्या कर दिया है, तुमसे मिलने के एक्साइटमेंट में मुझे नींद ही नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा ना, मुझे सोना पड़ेगा, कल सुबह मैं जब तुम्हें मिलूं तब मुझे फ्रेश दिखना पड़ेगा, वरना तुम ढूंढ लोगी कोई और दूजा। चुप चुप बोलो पोपट लाल, हे भगवान प्लीज कुछ भी करो, कहीं से भी नींद को भेज दो। चलो ओके, तुम भी सो जाना, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं।
पूजा जी, मेरा मतलब है पूजा। थैंक यू सो मच तुम मुझसे मिलने आई। मुझे पता है ऑफिस का तो सिर्फ बहाना है, तुम सिर्फ मुझसे मिलने यहाँ दूर मुंबई तक आई हो। वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू माय लाइफ। मैं बैठ सकता हूँ? एक बात कहूँ पूजा, तुम तस्वीर में जितनी खूबसूरत दिखती हो ना, उससे कहीं ज्यादा हकीकत में खूबसूरत दिखती हो। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें फुर्सत से बनाया। मैं भी एक बात कहूँ? हाँ हाँ प्लीज। आपको देख के मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सच? अरे 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 सुनो सुनो पूजा। अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसी आपकी मर्जी। विवाह का मुहूर्त हो गया है, पर यहाँ आ गया ये। अब वधू को बुलाइए। पूजा आओ ना। आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए तैयार हैं? अरे मैं तो बचपन से तैयार बैठा हूँ। वर वधू को वरमाला पहनाइए। अरे के शादी के बीच में घंटी कौन बजा रहा है? पूजा पूजा, अरे कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? अरे वरमाला तो पहन कर जाओ। पूजा मंडप, पंडित ये सपना था? भगवान आप भी कमाल हो, आप सपने में भी मेरी शादी नहीं होने दे रहे। चलो अच्छा है, सपना था, इस सपने में कैंसिल हुई चलेगा, हकीकत में शादी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। कितना बजा? 7:30। अरे बाप रे, मर गए, बहुत लेट हो गया। अरे एक मिनट, आया आया। अरे आ रहा हूँ भाई। कितनी बेल बजा रहे हो, और थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? क्यों साहब? अरे मेरी शादी हो रही थी, तुम्हारे चक्कर में रुक गई। क्या बात कर रहे हो साहब, आपकी शादी कब और कहाँ हो रही थी? सपने में। ओह अच्छा, सपने में। मैं वरमाला पहनाने ही वाला था कि तुमने घंटी बजा दी और सपना टूट गया। यानी आपकी शादी सपने में भी नहीं हुई? नहीं सॉरी, बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं इतना भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी। हाँ साहब जरूर हो जाएगी। लाओ बेलाओ दूध तो दो। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो फटाफट तैयार हो जाता। कपूर सेना ने बोला था मस्त ब्लेजर पहन कर जाना, कौन सा पहनू? हाँ ये अच्छा रहेगा। इसकी हालत तो देखो, इस्त्री नहीं है, ऐसे पहन के जाऊंगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगी मेरी। चलो मैं इस्त्री कर ही लेता हूँ। मैं इस्त्री करने बैठूंगा तो सब लेट हो जाएगा, इस्त्री वाले को देखकर आता हूँ। किसका मैसेज आया? पूजा का मैसेज? क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग पोपटलाल जी। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ
आज हमारी मुलाकात जरूर होगी। अरे होगी होगी, क्यों नहीं होगी, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। सीयो। वाह, दिन की शुरुआत पूजा के मैसेज से। मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ। प्यारी पूजा, नहीं, गुड मॉर्निंग पूजा जी। पूजा जी भी नहीं, सिर्फ पूजा। होगी होगी, आज हमारी मुलाकात जरूर होगी। आज का दिन शुभ रहे, ऐसी शुभकामनाएं। हो गया। ओ पोपटलाल, आज ये ब्लेजर तो आपकी इंप्रेशन पे चार चांद लगा देगा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं यार भाई, देखकर नहीं चल सकते? अरे मेरे को क्या बोल रहा है, तुम देखकर नहीं चल सकता है? देखो, अच्छा हुआ मेरे ब्लेजर को कुछ हुआ नहीं है, वरना मैं आपकी दुनिया हिला देता। अरे एक कपड़े के लिए तुम मेरा दुनिया हिला देता? कपड़ा? इतना सुंदर ब्लेजर आपको कपड़ा लगता है? अरे यार भाई, ये ब्लेजर ब्लेजर नहीं है। तो क्या? अरे क्या तो क्या है, ये ब्लेजर आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है। क्या बबड़लाल, तुम कोई भी चीज को लेकर इमोशनल हो जाता है। कभी वो पेन को लेकर, कभी गद्दे को लेकर, कभी तुम्हारा वो चाहते को लेकर, अभी ये ब्लेजर को लेकर। क्योंकि मैं इमोशनल इंसान हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो बोलो, बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको? गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। क्या हुआ पोपट भाई? बबीता, मैं यहाँ से जा रहा था और ये पोपटलाल अपना विंग से दौड़ कर आ रहा था और बिना देखे मेरे को टक्कर मार दिया। क्या कुछ भी बोल रहे यार भाई, अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं आपको टक्कर क्यों मारता? देखकर कौन टक्कर मारता है? बबीता जी, सारी गलती अय्यर भाई की है। मेरा गलती है? पोपटलाल तुम्हारा गलती है। अरे सौ बात की एक बात, अय्यर भाई गलती आपकी है। अरे, अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्यों छोटी सी बात को इतना बढ़ा रहे हो? एक दूसरे को सॉरी बोलो और बात को खत्म करो, दैट्स इट। बबीता अय्यर प्लीज कम ऑन। ओके पोपटलाल, आई एम सॉरी। देखिए, मेरा भी आज मूड बहुत अच्छा है, मैं भी आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपको माफ किया, दोबारा मत करना। देखो बबीता, मेरे को बिना सॉरी बोले चला गया। आई नो आई गेट, इट्स ओके ना, दोस्तों में से चलता है। अरे रिलैक्स, चलो तुम, इट्स ओके, चलो। ये ला भाई, इसे फटाफट फर्स्ट क्लास इस्त्री करके दे दे, एकदम कड़क। अरे पोपटलाल जी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बगल की सोसाइटी में शादी हो रही है, सब मेहमानों के कपड़े प्रेस करके देने हैं मुझे। अरे भाई, उसकी शादी हो रही है, मेरी होने की संभावना है, समझा कर। शादी में आए हुए मेहमानों के कपड़े बहुत हैं, पहले वो प्रेस करने पड़ेंगे मुझे। तुम्हें एक ब्लेजर में कितना टाइम जाएगा भाई, अभी हो जाएगा 5 मिनट में। अच्छा तू ये मान ले, मैं उसी शादी का मेहमान हूँ। अरे पोपटलाल जी, तू 2-3 रुपए ज्यादा ले लेना। अच्छा ठीक है, अर्जेंट में प्रेस करने के 50 रुपए लगेंगे। 50 रुपए एक ब्लेजर के? ठीक है, पर आज तो मुझसे 50 क्या 100 रुपए ले ले। लेकिन जब मेरी शादी तय होगी ना, जो कि बहुत जल्द होने वाली है, तो मैं अपनी शादी में जितने मेहमान आएंगे ना, उनके सारे कपड़े किसी और स्त्री वाले को दूंगा। अरे आप तो बुरा मान गए। ठीक है, कर देता हूँ। ये हुई ना बात, फटाफट करके घर पे दे। जी जी, चलता हूँ। अच्छा सुन, जरा आराम से वो छोटे बच्चे को सहलाते है ना, वैसे प्यार से इस्त्री करना, ये ब्लेजर जला वाला मत देना। अरे पोपटलाल जी, मेरा रोज का काम है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है ठीक। अरे हाँ भाई, इस्त्री करते वक्त अपनी स्त्री से बात बात करना। क्या ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे पोपटलाल जी, आप चिंता मत कीजिए। तो ठीक है, चलता हूँ, मैं दुआओं में याद रखना और दिल लगा के इस्त्री करना। अरे आप बात करते रहेंगे तो मैं इस्त्री कब करूंगा? नहीं नहीं, बारे बारे भाई, तू कर कर कर, मैं निकलता हूँ। जब तक ब्लेजर प्रेस होके आता है तब तक बाकी के काम निपटा लेता हूँ। अरे हाँ, एक बार डिलीवरी एजेंट को पूछ लूँ कहाँ पहुँचा है। कल रात को मैसेज आया था, कहाँ गया? हाँ मिल गया नंबर। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
हाँ हेलो। अरे भैया तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कौन बोल रहा है? अरे मैं गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। कल रात को मैंने वो ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया था, पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन डिलीवरी नहीं पहुँची अभी तक। कहाँ है भाई? सर मैं बाइक पे ही हूँ, आप ही का पार्सल लेकर आ रहा हूँ। अरे वाह वेरी गुड। और सुनो भाई, ये बाइक चलाते वक्त किसी से फोन पे बात करना बहुत खतरनाक है भाई, तुम्हारे लिए और मेरे पार्सल दोनों के लिए। अरे नहीं नहीं सर, मैं अभी बाइक रोक करके आपसे बात कर रहा हूँ। अरे बाइक क्यों रोक दे भाई? तुम ऐसे रुक रुक कर चलाओगे तो मेरा गिफ्ट कब पहुँचेगा? और अगर देखो मेरा पार्सल टाइम पे नहीं पहुँचा ना, तो मैं तुम लोगों की कंपनी पे केस कर दूंगा। सर आपने मुझे फोन किया इसीलिए मैंने आपसे बात करने के लिए बाइक रोकी है। मैं फोन ना उठाऊं तो प्रॉब्लम, मैं बाइक रोक करके फोन उठाऊं तो प्रॉब्लम, वो सब मुझे नहीं पता है। बस मेरा पार्सल टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। हाँ सर, लेट नहीं होगा, आपका पार्सल टाइम पर पहुंचा दूंगा। और सुनो, अब कोई भी फोन करे ना, फोन मत उठाना। हाँ सर ठीक है। फटाफट आओ और हाँ बाइक आराम से चलाना। ओके सर। गिफ्ट तो आ रहा है लेकिन उस पर गिफ्ट रैक तो हुआ नहीं। ऐसे गिफ्ट दूंगा तो कैसा लगेगा, क्या करूं? डिलीवरी एजेंट को रिक्वेस्ट करता हूं गिफ्ट रैप करवा के लाने के लिए। अरे फोन उठा, अभी तो बात की थी इससे, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो। अरे भैया तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सर आपने ही बोला था कि कोई फोन ना उठाऊं, काफी बार फोन आया इसलिए उठाया। अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा दोस्त आपका नाम क्या है? हरीश। हरीश हरीश, अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया नाम है। थैंक यू सर। अच्छा सुनो ना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ये जो मेरा पार्सल तुम ला रहे हो ना, उसे जरा गिफ्ट रैप करा सकते हो? जाएगा सर, ये तो हमारा रोज का काम है। अरे वाह, लेकिन 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगा। अरे मैं तुम्हें भी 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। अभी तुम फटाफट गिफ्ट रैप करवा के वो गिफ्ट लेकर मेरे घर पर पहुंचो, है अभी ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ सर आता हूँ आता हूँ। ओके चलो। पूजा पूजा, बहुत लकी हो तुम मेरे लिए, सारे काम टाइम से हो रहे बिना किसी गड़बड़ के। रात से पहले किसी लड़की को मिलने की इतनी खुशी कभी नहीं हुई। अरे वाह भाई, जय हो ऑनलाइन शॉपिंग की, घर बैठे बैठे चीजें मिल जाती है, वो भी बड़ी आसानी से। अब आपको लग रहा होगा पोपटलाल को गिफ्ट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। नहीं, पोपटलाल के नसीब की डिक्शनरी में आसान शब्द है ही नहीं। सबकी दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की दुनिया गिफ्ट के चक्कर में हिलने वाली है, और गिफ्ट के चक्कर में ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाले पोपटलाल के वहां से निकलने में पसीने निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस गिफ्ट में से क्या निकलेगा और क्या इस चक्रव्यूह से निकल के पोपटलाल पूजा जी के पास पहुंच जाएगा, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और हंसते रहिए, क्योंकि आपके लिए गिफ्ट में है हंसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.